हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? I'm also fine, and you are most welcome in this class. And today we are going to about the importance of food. आज हम सभी लोगों को ना फूड की इम्पोर्टेंस पढ़नी है, एंड साथ ही ये भी डिस्कस करना है हाउ वी सेव फूड, हम फूड को कैसे बचा सकते हैं. चलिए तो बेटा आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इसके पहले आप सभी को एक क्वेश्चन का आंसर देना है. ऑनेस्टली आप लोग सभी ऑनेस्टली बताएंगे, कितने बच्चे हैं जो खाना खाते टाइम प्लेट में बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, पूरा फिनिश कर देते हैं? शो मी योर हैंड. यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो बेटा आप जब भी खाना खाए ना, आपको प्लेट में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि फूड को वेस्ट नहीं करना है. तो आज हमें यही पढ़ना है कि फूड को हम लोग सेव कैसे कर सकते हैं. वेरी गुड बेटा, हैंड्स डाउन. चलिए तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हम अपना बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. चलिए तो आज हम सभी को पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, सेव फूड. आज का हमारा टाइटल है सेव फूड, हम लोग फूड को कैसे बचा सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए, आपको ये दोनों पिक्चर्स देखनी है ध्यान से. दिख रही है ना आपको पिक्चर? Yes, ma'am. देखिए फर्स्ट सुमित बेटा, सुमित आप कोई बटन पाएंगे? यस सुमित बेटा, आप ड्राइंग कर रहे हैं स्क्रीन पे, कोई बटन आपको नहीं प्रेस करनी है. चलिए तो आप देखिए, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली. आपको दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखना है. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? यस अमन, नाउ यू टेल बेटा, आपको इन दोनों पिक्चर्स में क्या दिख रहा है? फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है अमन? यस अमन गुप्ता, यस अनुष्का, नाउ यू टेल बेटा. मैम आपकी वाइफ खाना वेस्ट कर रहे हैं. फर्स्ट पिक्चर में खाना वेस्ट कर रहे हैं. यस अंशु, नाउ यू टेल बेटा, सेकंड पिक्चर में क्या देख रहे हो आप? मैम, कोई खाना नहीं दे रहा, बेचारा बच्चा भूखा बैठा हुआ है, ये खाना मांग रहा है आने जाने वालों से. तो देखिए दोनों पिक्चर में कितना डिफरेंट है. फर्स्ट पिक्चर में इनके पास खाना है, ये लोग वेस्ट कर रहे हैं, आधा खा रहे हैं आधा गिरा रहे हैं. और जबकि दूसरी जगह कंडीशन ये है कि इस बेचारे को खाना भी नहीं मिल रहा. तो अगर हमारे पास ज्यादा खाना है तो हमें क्या करना चाहिए, इन लोगों को दे देना चाहिए ना. हम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम कम जितना खाना हो हम उतना यूज करें, बेचारे ये लोग भूखे तो नहीं रह जाएंगे. चले तो बेटा ये देखिए दोनों पिक्चर्स में, ये देखिए यहाँ पर ये देख बच्चे ऐसे खाने को उड़ा रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, ये लोग खेल रहे हैं खाने से. ये गिराया हुआ है इन्होंने, देखिए जो भी फूड आइटम था सारा फेंका हुआ है. एंड ये बेचारा बच्चा रो रहा है, ये जो अंकल जी है ना ये भागे जा रहे हैं, ये बेचारा बच्चा इनसे मांग रहा है कि मुझे दे दो खाने को, लेकिन ये भागे जा रहे हैं. तो इन दोनों पिक्चर में कितना डिफरेंस है, ये बेचारा बच्चा कितना मजबूर है, इसकी कंडीशन कितनी बुरी है, इसे खाना भी नहीं मिल पा रहा. चले तो एक बार अभी हम टॉपिक पढ़ते हैं. डू यू नो देयर आर मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड would do not get food to eat. तो बेटा क्या आप सभी जानते हैं, जैसे आपको ये पिक्चर दिया ना ये वाली, तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको खाने के लिए भी खाना नहीं मिल पाता. और इसलिए therefore we should never waste food. और therefore यानी कि इसलिए we should never waste food. हमें कभी भी खाना खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खाना भी नहीं मिल पा रहा है. ओके
यस मैम। ये देखिए फूड इज प्रीसियस, भोजन बहुत कीमती है, क्योंकि जिस बच्चे को खाना नहीं मिल रहा ना, अगर दो चार दिन तक इसे खाना नहीं मिला तो ये बेचारा बच्चा मर जाएगा, तो इसलिए फूड बहुत ही प्रीसियस है। लेकिन इन बच्चों को नहीं मालूम, इनके पास बहुत सारा सामान है, ये खाते रहते हैं फेंकते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि अगर हम बचाएंगे, क्योंकि इनके वेस्टेज करने से ज्यादा खाना यूज हो रहा है, और अगर ये लोग कम यूज करते, कम फेंकते खाना, तो वो खाना और सस्ते में मिलता और इन लोगों को मिल जाता, ये लोग खा लेते। और इनके पास अगर ज्यादा खाना है तो इन्हें इधर दे देना चाहिए। Eating good food makes us healthy. अब आगे क्या बोला है, हमें गुड फूड खाना चाहिए। दैट मीन्स कि ये जो बच्चे हैं ना, आपको पता है ये खाना ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि इन्हें पिज्जा, बर्गर, पेस्टी पसंद होगी, ये लोग पहले ही खा चुके होते होंगे, उनका पेट भर जाता होगा, और जब खाना इनके सामने आता है तो ये लोग इसे फेंकने लगते हैं। तो इसलिए क्या बोला गया है कि क्या खाना चाहिए हमें, गुड फूड, जो फूड हमारे लिए अच्छा है, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जंक फूड खाने से ना हम मोटे तगड़े से दिखेंगे, बस बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, ना बैठ पाएंगे ना उठ पाएंगे। जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा मोटे हो जाते हैं हिल भी नहीं पाते, उन्हें सारे चिढ़ाते हैं मोटू मोटू कह के। तो आप में से तो कोई नहीं खाता ना जंक फूड ज्यादा? वेरी गुड। अगर आप नहीं खाते ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप ज्यादा जंक फूड खाएंगे ना, तो थोड़े थोड़े बड़े होने के बाद जब आप 11-12 इयर्स के होंगे ना, तब तक आप मोटे से हो जाएंगे, खूब मोटे से, और आपको सब लोग चढ़ाएंगे, आप दौड़ भी नहीं पाओगे। तो अगर आप चाहते हो ना कि आप फिट रहो, तो आपको हेल्दी फूड खाना है। अब आगे देखिए, वी शुड नॉट फिल अवर प्लेट्स विद मोर फूड देन वी कैन ईट। तो हमें अपनी प्लेट्स में उतना ही खाना लेना है जितना हम खा सकते हैं। वी शुड नॉट फिल अवर प्लेट, हमें अपनी प्लेट नहीं फिल करनी है विद मोर फूड, ज्यादा खाने से। हमें उतना ही खाना लेना है जितना हम खा पाए, अगर दोबारा भूख लगेगी तो हम दोबारा प्लेट में ले लेंगे, है ना? तो हमें पेट में इतना ही लेना है जितना हम लोग खा पाए। वी मस्ट शेयर अवर फूड विद पीपल हु डू नॉट हैव इनफ टू ईट। अब आगे क्या करना है, हमें फूड को, वी मस्ट शेयर, हमें फूड को जरूर शेयर करना चाहिए विद द पीपल, विद पीपल यानी कि उन लोगों के साथ, व्हाट डू नॉट हैव इनफ टू, जिनके पास खाने के लिए इनफ फूड आइटम नहीं है, तो उन लोगों के साथ हमें शेयर करना चाहिए। ओके तो बेटा, आपको फूड की इम्पोर्टेंस पता लग गई सभी को? तो फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हमको क्या करना है, हमें फूड को वेस्ट नहीं करना है, हमें जंक फूड भी नहीं खाना है, हमें हेल्दी फूड खाना है जिससे हम हेल्दी रहें, और अगर ज्यादा खाना है हमारे पास तो उसको ऐसे बच्चों को देना है जो बेचारे भूखे रह जाते हैं। चलिए तो अब आगे एक फैक्ट दिया हुआ है, दिल्ली फूड बैंक। तो दिल्ली, बेटा आप लोग दिल्ली के बारे में जानते हैं? आप में से कोई दिल्ली गया हुआ है? शो मी योर हैंड, कितने लोग दिल्ली गए हैं? वेदांत, अनुष्का एंड वाओ, हर्षित भी गए हैं, अंशु भी गई हुई हैं, वेरी गुड। तो बेटा पता है आपको, दिल्ली में ना एक फूड बैंक है, और उस फूड बैंक में पता है क्या होता है? फूड बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिस्ट्रीब्यूट फूड अमोंग पुअर्स इन दिल्ली। तो यहाँ पर एक फूड बैंक खोला गया है, और इस फूड बैंक में क्या होता है, जो गरीब पर्सन होते हैं ना, उनको यहाँ पर खाना दिया जाता है, यहाँ पर बना बनाया हुआ खाना उन लोगों को दिया जाता है जो बेचारे भूखे हैं, जो सड़कों पे रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर खाना दिया जाता है। ओके यस मैम। चलिए तो अब नेक्स्ट, अब हमें एक बार ये एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। तो आज आपको ना ये वाला होमवर्क भी करना है, और बेटा जो भी आंसर आपको नहीं आएंगे, फिलहाल मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी इसके, लेकिन आप सभी को पूरा होमवर्क करना है। यस अनन्या मैम, मैंने आंसर करके भेज दिया।
ऐसा नहीं है, दो बच्चों ने भेजा है, एक आपने भेजा है, एक किसी और बच्चे ने भेजा है, बाकी बच्चों का होमवर्क नहीं आया अभी। तो बाकी बच्चे भी भेजेंगे, क्योंकि जिनका भी होमवर्क नहीं आएगा ना नेक्स्ट क्लास में, मैं पहले ही उन बच्चों को रिमूव कर दूंगी। आज आपके लिए लास्ट वार्निंग है। तो अब जो जिन भी बच्चों का होमवर्क नहीं आया ना नेक्स्ट क्लास में, वो फिर बच्चे क्लास भी नहीं अटेंड कर पाएंगे। चले तो एक बार बेटा ये डिस्कस करते हैं, व्हाई शुड वी नॉट वेस्ट फूड, गिव वन रीजन। तो हम लोगों को फूड क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए, यस कौन बताएगा इसका आंसर, शो मी योर हैंड। Why should we not waste food? Yes, Anshu. Now you tell, beta. Ma'am, हमें food waste नहीं करना चाहिए. Ma'am, जो सड़क पे रहते हैं उन्हें दे देना चाहिए. Yes. Ma'am. Yes, Ananya. Now you tell. Why should we not waste? Ma'am, food? We should not waste food. We intelligent our life. Yes, beta. तो देखिए एक बार मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ. We should not waste food because. तो हमें फूड इसलिए नहीं वेस्ट करना चाहिए because क्योंकि there are many people all over the world. क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो डू नॉट गेट फूड टू ईट, जिन्हें खाने भर का भी नहीं मिलता, और इसलिए ही हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लिखना है, वी शुड नॉट वेस्ट फूड, वी शुड नॉट वेस्ट फूड बिकॉज देयर आर मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डू नॉट गेट फूड टू ईट। ओके बेटा, चलिए तो आज मैं आपको फिलहाल आंसर लिखना भी सिखाती हूँ। आंसर कैसे लिखते हैं, आप सभी के पास पेंसिल है? Yes, ma'am. चलिए तो आप पेंसिल लेंगे सभी और टिक लगाएंगे। देखिए कहाँ से लिखना है आपको, सबसे पहले आप लिखेंगे वी शुड नॉट वेस्ट फूड, वी, इसके बाद यहाँ पर आपको शुड लिखना है, वी शुड नॉट वेस्ट फूड बिकॉज। ओके बेटा, पहले आप लिखेंगे वी शुड नॉट वेस्ट फूड बिकॉज, फिर आपको यहां से लिखना है देयर आर मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड नॉट गेट फूड टू ईट। ओके, आपका आंसर कंप्लीट हो गया, इतना ही आंसर लिखना है आपको। ओके बेटा, क्वेश्चन पे, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, राइट ए स्लोगन टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल टू स्टॉप वेस्टिंग फूड। तो आपको एक स्लोगन लिखना है, जैसे नारे लगाते हो ना आप लोग, बहुत सारी चीजों के लिए नारा लगाते हो, स्लोगन बोला जाता है। आप सभी एड देखते हैं ना, एड एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आप लोग टीवी देखते हैं ना, सभी देखते हैं सभी, टीवी में एड दिखाई जाती है, स्लोगन बोलते हैं, बहुत सारे स्लोगन बोले जाते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं, चलिए एक बार आप बात करते हैं, आपको कौन सा एड पसंद है? यस अनन्या, यस अनन्या से स्टार्ट करते हैं। यस अनन्या बेटा, आपको कौन सा एड पसंद आता है टीवी में? एडवर्टीजमेंट आती है ना, आपको कौन सा वाला एड पसंद आता है? मैम, यस अनन्या, मैम एयरटेल, चलिए कौन बताएगा? मैम, बेटा आवाज किसको मस्त आती है? मैम, यस हर्षित, आप बताइए बेटा कौन सा एड पसंद है आपको? मैं हैप्पी लक्की, हैप्पी लक्की,
चलिए हैप्पी लकी में क्या बोलते हैं, उस एड में क्या बोलते हैं? यस अर्शित मैम, नहीं आ रहा। अनुष्का बेटा आप बताइए, आप ऐड देखते हैं ना टीवी में जो बीच में तो ब्रेक दिया जाता है, कभी चॉकलेट को लेके, कभी किसी फूड आइटम को लेके, कभी मसालों को लेके, कभी तेल को लेके, कभी शैम्पू को लेके, बहुत सारे ऐड दिए जाते हैं ना। आप क्या आपको भी कोई ऐड पसंद आता है उसमें से? कोई ऐसा ऐड है जब आता है तो आप खुश हो जाते हो? नो मैम। नो मैम लगता। यस किसे पसंद है ऐड? मैम बेटा नाम बताना है आपको, इतने सारे बच्चों में मुझे फोटो नहीं दिख पाती कभी कभी। यस कौन बताना चाह रहे हैं? मैम वेदांत आप? मैम मैम बेटा नाम बताना है आपका, कौन? अनन्या। अनन्या यस अनन्या। मैम मैम मोटू पतलू। मोटू पतलू वाला एड। यस मोटू पतलू तो मुझे भी पसंद है, मोटू पतलू वाला एड। तो उसमें क्या बोलते हैं उस एड में? मैम उस एड में क्या बोलते हैं मोटू पतलू, ये बताना है आपको। मैम नहीं पता है। चलिए अंशु आप बताएंगी? यस अंशु आपको कौन सा एड पसंद है? मैम मोटू पतलू। मोटू पतलू मैम, मोटू पतलू क्या बोलते हैं वो लोग आपस में? मैम मैम नहीं, मोटू बहुत ढेर सारा समोसा खाता है। यस और पतलू? मैम पतलू बातें करता है। मैम पतलू मैम मोटू को समोसा देता है तब उसके पास आइडिया आता है। यस चलिए तो मोटू पतलू वाला एड मैंने भी देखा है फिलहाल, मुझे भी अच्छा लगता है वो। चलिए तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। यस आपको यहाँ पर लिखना है स्लोगन। तो बेटा स्लोगन कैसे लिखना है आपको? एक स्लोगन ऐसा देना है जिससे अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके लोगों के बीच में, यानी कि लोग फूड को वेस्ट ना करें, फूड वेस्टेज को रोकने के लिए एक स्लोगन लिखना है। चलिए तो ये आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको बेटा एक स्लोगन मैं आपको अभी आपके ग्रुप में सेंड करूंगी, आपको सेम उसी टाइप से दूसरा स्लोगन बनाना है। ओके कोशिश करनी है बनाने की। यस मैम। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स पे। तो अब ट्रू फॉल्स है हमारा राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यस सबसे पहले कौन बताएगा? रौनक। यस रौनक नाउ यू टेल। थ्रो अवे फूड व्हेन यू हैव इट इन एक्सेस। थ्रो अवे फूड व्हेन यू हैव इट इन एक्सेस। तो थ्रो अवे यानी कि फेंक देना है आपको फूड, व्हेन यू हैव इट इन एक्सेस जब आपके पास ज्यादा हो। यस रौनक ट्रू है या फॉल्स है? मैम ट्रू। प्रियांश नाउ यू टेल बेटा। मैम यस श्रेयंस। मैम बताइए। नो अनन्या स्टॉप बेटा, बाकी बच्चों को भी बताने दो एक मिनट। यस वेदांत नाउ यू टेल। मैम फॉल्स। फॉल्स अंशु नाउ यू टेल। अंशु बताएंगी कि अब किसने सी बताया है? यस अंशु। मैम फॉल्स। फॉल्स तो इसमें क्या पूछा है? थ्रो अवे फूड यानी कि फेंक देना है फूड को जब हमारे पास वो ज्यादा हो। तो हमारे पास ज्यादा हो तो क्या हमें फेंक देना है उसे? नहीं फेंकना है हमें। नो मैम। हमें उन बच्चों को देना है जिनके पास फूड नहीं है, है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हर्षित को। यस
हर्षित, नाउ यू टेल, फूड डज नॉट गिव्स अस एनर्जी. मैम ट्रू. ट्रू. मैम फॉल्स. यस हर्षित बेटा, ट्रू है या फॉल्स है? मैम फॉल्स. फॉल्स है, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है. फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें एनर्जी देता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? फॉल्स. अब नेक्स्ट का आंसर कौन बताएगा? ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? बेटा आपको अपना माइक ऑफ रखना है. यस रमा, नाउ यू टेल बेटा, शेयर फूड विद दोज हु डू नॉट हैव इनफ टू ईट. मैम फॉल्स. यस अनुष्का, नाउ यू टेल बेटा. मैम. यस अनुष्का, शेयर फूड विद दोज हु डू नॉट हैव इनफ टू ईट. मैम फॉल्स. चलिए, तो अभी आपको ना इस क्वेश्चन की मीनिंग नहीं पता है. अभी शेयर फूड यानी कि हमें फूड शेयर करना है विद दोज, उनके साथ, वो डू नॉट हैव इनफ टू ईट, जिनके पास डू नॉट हैव, जिनके पास नहीं है इनफ टू ईट खाने के लिए. तो हमें उनके साथ फूड शेयर करना है जिनके पास खाने को नहीं है. रमा एंड अनुष्का दोनों को ही इसकी मीनिंग नहीं समझ आई, इसलिए दोनों ने फॉल्स बता दिया. तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू. चलिए नेक्स्ट का आंसर बताएंगे अनन्या. यस अनन्या, नाउ यू टेल बेटा, ईटिंग गुड फूड मेक अस हेल्दी. यस अनन्या. मैम ट्रू. ट्रू. गुड फूड खाने से हम लोग हेल्दी बनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू. तो आज आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करना है, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया था. आपको लिखना है वी शुड नॉट वेस्ट फूड, बिकॉज वी शुड नॉट वेस्ट फूड बिकॉज देयर आर मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डू नॉट गेट फूड टू ईट. ओके. एंड नेक्स्ट आपको स्लोगन लिखना है, जो भी मैं आपको सेंड करूंगी, आपको उसी से रिलेटेड बनाना है. सेम वही कॉपी नहीं करना है, उससे रिलेटेड बनाना है. ओके. एंड ट्रू फॉल्स. एंड बेटा जो लास्ट क्लास का होमवर्क है, जो ये वाला होमवर्क दिया था, ये भी करना है आपको. जिन जिन बच्चों ने नहीं किया उन्हें करना है आज. ओके. क्योंकि जिन बच्चों का ये दोनों होमवर्क सबमिट होगा वही नेक्स्ट क्लास अटेंड कर पाएंगे, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे. ओके. चलिए, तो अब आज हमने पढ़ा है सेफ फूड. अब हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी को बुक बी डिस्कस करनी है. ओके बेटा. Yes, ma'am. तो नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग बुक बी डिस्कस करेंगे. आप सभी को इसके क्वेश्चन आंसर्स, ये जो आज ये सबमिट करना है करके, और नेक्स्ट क्लास में वही बच्चे अटेंड करेंगे जिनका होमवर्क हो जाएगा. तो फिलहाल सभी बच्चे कर लेंगे, क्योंकि सभी बहुत अच्छे हैं, आज सभी ने बताया भी है, बहुत अच्छे, वेरी गुड. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग बुक बी डिस्कस करेंगे. ओके बेटा. Yes, ma'am. बेटा आप सभी लोगों को वोकैबुलरी दी है इस चैप्टर की, वर्ड मीनिंग मिल गई है? No, ma'am. नहीं. ओके. अभी आपको चैप्टर नंबर 7 की वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग नहीं दी गई है, तो मैं आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग भी सेंड करूंगी, कल सेंड कर दूंगी. ओके. और उसको आपको अपनी नोटबुक में करना है सभी को. मैम, जहां तक कि सिक्स वाला भी वर्ड मीनिंग नहीं भेजा गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा. अगर सिक्स वाली भी नहीं गई है ना, तो आप मुझे मैसेज कर देंगे. ठीक है. यस मैम.
अगर सिक्स वाली भी नहीं गई होगी तो मैं सिक्स वाली सेंड कर दूंगी आपको। यस मैम। मैम नहीं आई है। नहीं आई है। यस मैम। ओके बेटा ठीक है, मैं चैप्टर नंबर सिक्स की वोकैबुलरी आपको पहले सिक्स की सेंड करूंगी, फिर जब आप सिक्स का करके सबमिट कर देंगे तभी सेवन वाला सबमिट किया जाएगा, तभी सेवन वाला। यस बेटा मैं अभी भेज दूंगी चैप्टर सिक्स की वर्ड मीनिंग, एक बार मुझे चेक करनी है क्योंकि चैप्टर सिक्स आपको मैम ने पढ़ाया था ना, दूसरी वाली मैम ने, तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा उन्होंने उनके पास है या नहीं। ओके यस मैम। यस मैम। चलिए तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। अब आप yes, ma'am. कोई भी अगर थोड़ा बहुत फूड वेस्ट करते होंगे ना तो आज के बाद आप लोग फूड वेस्ट नहीं करेंगे अब। ओके मिसेस बोकी मंच चाहते फैया से जाती हूँ आज जेमा क्या देखो कौन कहीं के जाते हैं हाँ देखे हैं मंडी मिसेस भी जाती है। चलिए अब आपसे एक बार जो पिछली क्लास में पढ़ा था ना वो रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपको याद है। यस सबसे पहले कौन बताएगा? यस वेदांत। यस वेदांत आपको बताना है। Give some example of bodybuilding food. Bodybuilding food के example देने आपको. Bodybuilding food कौन कौन से हैं? Bodybuilding food. ओके बेटा इसके पहले हम लोग बुक बी डिस्कस करेंगे ना, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कर लेंगे। ओके क्योंकि पहले ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इसकी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग कर लेंगे रिकैप एंड रिवीजन सेशन। यस रमा नाउ यू टेल बेटा गिव सम एग्जांपल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। मैम राइस। यस मैम व्हीट। मैम मैम पोटैटो। मैम सुगर। मैम एंड बटर। वेरी गुड। यस अनुष्का नाउ यू टेल गिव सम एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड आइटम। मैम प्रोटेक्टिव मैम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस अनन्या नाउ यू टेल बेटा गिव सम एग्जांपल ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम। मैम नॉन वेजिटेरियन। यस मैम चिकन। यस मैम चिकन मटन एंड फिश। वेरी गुड अनन्या। अमन गुप्ता बेटा आपको आवाज आ रही है? चलिए अमन को शायद आवाज। यस अंशु आप बताएंगे बेटा। यस अंशु। मैम चिकन मटन। मैम चिकन मटन। मैम फिश एंड एग। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस वेदांत अब आपको बताना है Which food item is known as complete food?
कौन सा ऐसा फूड आइटम है जिसमें प्रोटेक्टिव, वो प्रोटेक्टिव फूड में भी यूज होता है, एनर्जी गिविंग में भी यूज हो जाता है एंड बॉडी बिल्डिंग में भी यूज होता है? मैम वेजिटेरियन फूड। नो, चलिए आपको नहीं पता था फिलहाल, पता है बेटा आपको? एक ऐसा फूड आइटम है जिसे कंसीडर किया जाता है कि वो कंप्लीट फूड आइटम है, और पता है आपको क्या है वो? मिल्क। मिल्क इज नॉन एज कंप्लीट फूड क्योंकि मिल्क में, मिल्क एनर्जी भी देता है आपको, ये प्रोटेक्शन भी देता है हमें एंड ये बॉडी बिल्डर भी है, ये हमारी बॉडी बिल्डिंग भी करता है, तो इसलिए आपको डेली मिल्क जरूर पीना है। ओके यस, आप सभी मिल्क पीते yes, हैं? सभी बच्चे पीते हैं? यस मैम। तो आपको डेली मिल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? सृष्टि। यस सृष्टि, नाउ यू टेल, आपको बताना है कौन से प्लेस में फूड बैंक खुला हुआ है, कहां पर फूड बैंक खुला हुआ है? मैम दिल्ली में। दिल्ली में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा अब? और कौन ऐसा बच्चा रह गया जिसने आज किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया? रौनक। यस रौनक, नाउ यू टेल, चलिए रौनक बताएंगे। What are the three main types of food? Food के three main types कौन कौन से हैं? Kinds of food पढ़ा था हमने, तो कितने types के food होते हैं? उसको कितनी categories में divide किया गया है? Yes, Vedant, now you tell beta. Yes, ma'am. Yes, Vedant. Yes, ma'am. बेटा फूड को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? मैम थ्री। थ्री कौन कौन से? मैम एनर्जी गिविंग फूड, मैम बॉडी बिल्डिंग फूड, मैम प्रोटेक्टिव फूड। वेरी गुड वेदांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? अंशु। यस अंशु, नाउ यू टेल बेटा, फिश कौन सी फूड आइटम में आती है? फिश एनर्जी गिविंग है, बॉडी बिल्डिंग है या फिर प्रोटेक्टिव फूड है? प्रोटेक्टिव फूड आइटम है। ओके वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। यस रमा, नाउ यू टेल, अब देखते हैं कि आप लोगों को पता है या नहीं, हनी आप लोग खाते हैं ना? हनी। यस मैम। हनी बताइए, हनी किस टाइप का फूड है? एनर्जी गिविंग है, बॉडी बिल्डिंग है या फिर प्रोटेक्टिव फूड है? मैम यस अनन्या, मैम एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड, बेटा एनर्जी गिविंग क्यों है हनी? मैम क्योंकि जब हमें कहीं डिजर्ट। यस अनन्या, मैम जब कभी भी हमें चोट लग जाती मैम लगाते तो ठीक हो जाती मैम, जब हमें मैम वो पीते मैम हमें ताकत मिलती है। तो बेटा वो एनर्जी गिविंग थोड़ी हुआ फिर, वो तो प्रोटेक्टिव फूड हुआ क्योंकि जब हमें चोट लगती है तब हम उसे खाते हैं, दैट मींस कि वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है ना? तो हनी जो है बेटा वो प्रोटेक्टिव फूड है क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाता है, अगर हम लोग हनी खाते हैं ना तो हमें बीमारी कम होती है। ओके यस मैम।
चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन बताएगा? रमा। यस रमा, नाउ यू टेल बेटा। यस मैम। चलिए रमा आप ये बताएंगे बेटा, हम लोग स्वीट्स खाते हैं, फिलहाल दिवाली थी, हम सभी लोगों ने स्वीट्स तो जरूर खाई होगी, तो आपको ये बताना है स्वीट्स हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। यस रमा। नो मैम। यस हेल्दी नहीं है हमारे लिए स्वीट्स ना, हमें खानी चाहिए। मैम हमें थोड़ा खाना चाहिए, स्वीट्स खानी चाहिए थोड़ा सा। यस, क्योंकि स्वीट्स में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी और हमारी बॉडी में शुगर ज्यादा हो जाएगा, एंड हमारे ब्लड में भी शुगर ज्यादा हो जाएगा, और जब हमारा खून मीठा हो जाएगा तो बहुत सारे मच्छर चिपकेंगे आके हमारी पूरी बॉडी पे, वो हमें काटना शुरू कर देंगे, इसलिए अपने खून को ज्यादा मीठा नहीं बनाना है, तो ज्यादा मीठी चीज नहीं खानी है आपको। ओके। यस मैम। स्वीट्स कम खानी है। एंड दूसरा बेटा आपको एक बात और पता है, जब आप स्वीट्स खाते हैं ना, तो जब आपकी बॉडी में कहीं भी चोट लगेगी तो वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज, ये जो सेलुलोज, जो ग्लूकोज है जो कि आप स्वीट्स के रूप में लेते हैं, वो आपको ठीक नहीं होने देता, वो उस चीज को पका देता है, और जब भी आपको थोड़ी सी चोट लगेगी तो वो पक जाएगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, इसलिए आपको मीठा कम खाना है। ओके बेटा। यस मैम। चलिए तो आज जितना पढ़ा आप सभी लोगों को समझ आया? यस मैम। होमवर्क भी पता लग गया ना सभी को क्या करना है? यस मैम। यस मैम। बेटा तो आज हम पता चल गया, ये वाला होमवर्क भी करना है, एंड ये जो नेक्स्ट वाला है ना, ये वाला, ये भी होमवर्क करना है, तो मैं अभी आपको ये भेजती हूँ और आपको इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख के और सबमिट करना है सभी को, ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड बाय। गुड बाय टू ऑल।